दोस्तों, हम आज एक ऐसे किले के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद जाना मना है। वहाँ पे आज भी लोगों को पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पे उनके पीछे पीछे किसी के आने की आवाज़ आती है, किसी के पुकारने की आवाज़ आती है। वहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई देते ही रहता है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भानुरिया किला, जो लगभग दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर स्थित है। स्थानीय द्वारा बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ हैं। उस कहानियों में से एक है कि वहाँ के राजा माधव सिंह ने अपने गुरु से इजाज़त लेकर वहाँ पे एक महल निर्माण करने की शुरुआत की, पर उनके गुरु की सिर्फ एक ही शर्त थी। वो क्या थी? कि उनके महल की परछाई उनके कुटिया पे नहीं पड़नी चाहिए, जिससे उनका ध्यान भंग हो। तो माधव सिंह मान गए और उन्हें अपने महल का कारण निर्माण चालू कर दिया। महल पूरा होते 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 उस जब तैयार हुआ तो उसकी परछाई सीधा कुटिया पे पड़ने लगी। तब उनके गुरु ने तुरंत श्राप दिया कि ये महल पूरा ध्वस्त हो जाएगा। और उनके श्राप से सब कुछ ध्वस्त होगा, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया और खंडहर बन के रह गया। ना उसे वापस से जगाया जा सका, ना उसे वापस से उठाया जा सका। उस वहाँ के धीरे लोग धीरे सब कुछ छोड़ के चले गए। वहाँ पे पूरा इलाका सुनसान हो गया और ये बुधा हो गया। उसी कहानियों में से एक कहानी ये भी प्रचलित है कि वहाँ की राजकुमारी रत्नावती के प्यार में एक तांत्रिक पड़ गया था और तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से महा राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, परंतु यह हो नहीं सका। तांत्रिक ने जादू टोना करके राजकुमारी को पा तो नहीं सका, पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी के श्राप की वजह से आज भी वो महल खंडहर बनकर रह चुका है। इंडियन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वहाँ पे साइन बोर्ड रहती है कि शाम को 6 बजे के बाद आप वहाँ पे ना जाएं, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। दोस्तों, तो क्या आपने कभी इस किले के बारे में पहले सुना था? आप वहाँ पे जाना चाहेंगे तो अपने लिस्ट में ज़रूर इसे ऐड करिएगा। पर वहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, आप वहाँ अंदर नहीं जा सकते हो। तो अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड करिएगा और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ऐसे दिलचस्प वीडियो के साथ। थैंक यू।